नमस्कार दोस्तों। तो आप कभी भी ऐसे अगर रात में फोन हाथ में लेते यूज़ करते हो तो अचानक से आपकी नींद लग जाती है, या फिर आप फोन रखते भी हो सोते समय तो आपको फिर से जो है फोन लेने की इच्छा होती है। तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि फोन जो है वो कैसे हमको हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और कैसे जो है हमारी हेल्थ को बर्बाद करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मेरा नाम विनय चैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है यानी कि उस बॉडी को पता लगता है कि कब जो है सुबह होती है और कब जो है रात होती है। तो इसी वजह से अगर हम सुबह उठते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि सुबह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हल्की स्काई में ब्लू लाइट मौजूद होती है, इसी वजह से जो है हमको पता लगता है कि ये सुबह है। और जब भी शाम होती है तो लाइट जो है थोड़ी सी एम्बर कलर की होती है, इसी वजह से हमारी बॉडी को पता लगता है कि शाम है। तो ये जो साइकिल है वो चलता है और इसे हम स्लीप साइकिल कहते हैं। तो हमको टाइम पे जो है नींद आती है। तो जब भी आप फ़ोन, लैपटॉप या फिर कोई चीज़ यूज़ करते हो तो ये जो सारी स्क्रीन्स होते हैं इनमें मौजूद होती है ब्लू लाइट। तो आज मैं आपको ब्लू लाइट के बारे में बताऊंगा। तो ये जो ब्लू लाइट है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि अभी देखो, रात को आप सोते हैं, सुबह में जो होती है ब्लू लाइट वो अगर शाम को भी आपको मिले तो ऐसे में आपकी बॉडी को फिर से एनर्जी मिलेगी कि आप जो है सुबह हो चुकी है, तो ऐसे आप सो सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आप फ़ोन रात में यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी और आप यूज़ करते करते कभी सो गए ये भी आपको पता नहीं लगेगा, ऐसा भी कई बार होता है। और इसके साथ अगर आप फ़ोन रखते भी हो बाजू में, यानी कि सोचते हो कि अभी मैं सो जाऊंगा, तो आपको 10-15 मिनट अब कुछ कुछ और चीज़ें जो है दिमाग में आएगी, कुछ कुछ और चीज़ें आप सोचने लगेंगे और फिर से आपका हाथ फ़ोन की ओर जाएगा और फिर से आप फ़ोन लेने लगोगे। तो ऐसे में ये जो ब्लू लाइट है वो हमारे मेलेटोनिन जो रिलीज़ होता है उसको कम करती है और जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाती है इसकी वजह से। तो ये जो ब्लू लाइट है वो बहुत ही हार्मफुल होती है और इसे कैसे बचे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके हेल्थ पर, यानी कि आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, यहाँ तक कि कैंसर ऐसी जो भयानक डिजीज़ है ये भी हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रात में सोते हैं तो 1 घंटा सोने से पहले आप अपना फ़ोन ना लीजिए। और अगर आप कोई बुक पढ़ते हो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है सोने से पहले, या फिर कोई पेपर या फिर न्यूज़ पढ़ते हो तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। या फिर अगर आपको अपना फ़ोन लेना ही है तो आप एक रूम में बैठ सकते हो जहाँ पर थोड़ी सी डिम लाइट है, और ये सब भी नहीं होता है तो एक सबसे लास्ट ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन, आप अपने फ़ोन में रिडीम मोड जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे में ये रिडीम मोड जो होता है वो बहुत ही कमाल का होता है, इसकी वजह से आपके फ़ोन में जो ब्लू लाइट होती है वो सारी निकल जाती है और एम्बर कलर की लाइट आती है। तो अगर आपके रूम में जो कोई एम्बर लाइट नहीं है तो आप अपने फ़ोन में से ही जो ब्लू लाइट है वो निकाल सकते हैं। या आपको सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में, आईओएस डिवाइसेस में, इसके साथ कंप्यूटर, पीसीज, लैपटॉप में सारे आपको डिवाइसेस में ऑप्शन मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं, ब्लू लाइट आपको ऐप मिलेगा, या फिर ऐप स्टोर पर जाकर आप देख सकते हैं, तो कहीं पर आपको ज़रूर से मिलेगा ये ब्लू लाइट। और मैं भी ये ब्लू लाइट फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है। तो अगर मेरा काम कोई रात में इंपॉर्टेंट काम है तो मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ सोने से पहले, तो मुझे अच्छी सी नींद आती है। तो आप भी अगर सोने से पहले आप अपना फ़ोन लेते हैं तो आपको लेना ही है तो ही आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर फ़ोन में अगर देखे कोई ऑप्शन आपको मिलता है या नहीं रिडीम मूड। तो एक और चीज़, अगर आप सोते समय अपना फ़ोन बाजू में रखते हो तो आप अपना फ़ोन जो है एयरप्लेन मोड पर डाल लीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन में जो रेडिएशंस होती है वो आपके पूरे रात में बाजू में रहते हैं, तो पूरी रात में आपके शरीर से जो है वो टकरा जाती है, इसी वजह से आपको कोई डैमेज हो सकता है अपने शरीर में। तो इसी वजह से जो है अपना फ़ोन है उसको एयरप्लेन मोड पर डालिए ताकि कोई रेडिएशन आपके फ़ोन में ना एंटर करे और आप भी जो है अच्छी चैन सी नींद सोए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया है कि ये जो ब्लू लाइट है वो कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है और कैसे जो है वो चीज़ें हम हमारी लाइफ साइकिल जो है बिगड़ सकती है इसी ब्लू लाइट की वजह से। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बस इस वीडियो में इतना ही। हो आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मेरे टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सी यू गाइस।